राजीव गांधी पर प्रस्ताव से परेशानी में आप, प्रस्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करने पर गिरी अलका लांबा पर गाज, पार्टी ने रद्द की लांबा की प्राथमिक सदस्यता। अलका लांबा पर कार्रवाई से नाराज समर्थकों ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, कहा नेता के खिलाफ नाइंसाफी नहीं होगी बर्दाश्त। राजीव गांधी पर प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस का आप सरकार पर हमला, प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन बोले आपका असली चेहरा सबके सामने आया। प्रस्ताव पर मचे घमासान पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की सफाई, मूल प्रस्ताव में राजीव गांधी का जिक्र नहीं था, आपके विधायक जनरल सिंह ने अपनी तरफ से जोड़ा था नाम। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान जारी, कल होगा सीट शेयरिंग का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू और बीजेपी को 17-17 सीटें और एलजेपी को मिल सकती है 6 सीटें। कर्नाटक में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, 8 नए मंत्री लेंगे शपथ, कांग्रेस के 6 और जेडीएस के 2 विधायक बनेंगे मंत्री, कांग्रेस का बयान 2019 तक जारी रहेगा गठबंधन। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज, पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, बीजेपी के महिला विंग को भी करेंगे संबोधित। लालू प्रसाद से मिलने रांची पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा और सुबोध कांत सहाय, रिम्स में कांग्रेस नेता शकील अहमद भी मौजूद, मीटिंग से सियासी गलियारों में अटकलें तेज। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में शुरू हुई जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग, कैमरा सीमेंट समेत कई सामानों पर मिल सकती है रियायत। हनुमान विवाद पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, पूछा बीजेपी नेता कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को बनाया गया बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दी नई जिम्मेदारी। बिहार के दरभंगा में व्यवसायी केपी शाही की गोली मारकर हत्या, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार हो चुकी है निर्लज्ज। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 6 आतंकी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जांच एजेंसियों को मिले जासूसी के अधिकार पर शिवसेना का मोदी सरकार पर वार, कहा मोदी जी को बस अब आपातकाल की घोषणा कर देना चाहिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड का कहर जारी, शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, कश्मीर में भीषण ठंड से गिरा तापमान। अमेरिकी सरकार में आधी रात से आंशिक कामबंदी, अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के लिए धन आवंटन को लेकर अमेरिका में छिड़ा घमासान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस से की फोन पर बात, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिस ने दी जानकारी। भारत से छिन सकती है 2023 वर्ल्ड कप की मेजबानी, आईसीसी की बीसीसीआई को धमकी, 160 करोड़ रुपए चुकाओ वरना गंवानी पड़ेगी चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप की मेजबानी। तैमूर अली खान की नई तस्वीरें आई सामने, मम्मी करीना संग मस्ती करते नजर आ रहे हैं तैमूर, केपटाउन में तैमूर ने किया बर्थडे सेलिब्रेट। और आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की तस्वीरें, ऑफ गोल्डन कलर की ड्रेस में नजर आई आलिया, तस्वीरों को 13 घंटे में 10 लाख लोगों ने किया पसंद।